अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, कर्नल मेजर और जम्मू कश्मीर के डीएसपी शहीद। जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत पर शोक मना रहा है पूरा देश। श्रीनगर में उपराज्यपाल, डीजीपी, कई वरिष्ठ ऑफिसर्स ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर। डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, पूरे इलाके में मची थी चीख पुकार। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने आर्थिक गलियारा बनाने के कदम को सराहा, कहा भारत के साथ मिलकर करेंगे काम। मणिपुर से दिल्ली आ रहे बीजेपी के 17 विधायक पीएम मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात, राज्य में शांति बहाल करने की करेंगे अपील। सब मोदी सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा, सदन में चार विधेयक होंगी पर होगी चर्चा। आपकी बार नई संसद भवन में होगा विशेष सत्र, पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 साल में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा संसद का विशेष सत्र। संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर जयराम रमेश का तंज कसा, सोनिया गांधी के पत्र के चलते सरकार ने जारी किया एजेंडा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह मीटिंग में रहे मौजूद। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट, सीईसी की बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव पर हुई चर्चा। G20 की कामयाबी पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पीएम का भव्य स्वागत किया गया, बीजेपी ने पास किया अभिनंदन प्रस्ताव। पीएम मोदी का एमपी और छत्तीसगढ़ दौरा, आज कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक, मीटिंग में चार मुद्दों पर बन पाई सहमति। भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली साझा रैली, विपक्षी गठबंधन की बैठक में फैसला, अक्टूबर में होगी रैली। चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाएगा विपक्ष, सरकार पर बनाएगा दबाव, इंडिया की बैठक में फैसला हुआ। समन्वय समिति की बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जल्द। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, कहा सीट बंटवारे पर जल्द होगा फैसला। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, बोले जाति जनगणना पर भी होगी बात। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, बोले कि हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करने के लिए हो रही बैठक। नीतीश के पीएम मटेरियल पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा गिरिराज के हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश। इंडिया गठबंधन के समन्वय बैठक को बीजेपी ने बताया चाय पार्टी, सुशील मोदी ने कहा कि बैठक टाई टाई फिस साबित हो। 54 विधायकों की अयोग्यता मामले में आज महाराष्ट्र विधानसभा में सुनवाई, शिंदे गुट और उद्धव गुट के सभी विधायक रहेंगे मौजूद। सनातन विरोधियों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा कि सनातन को अपमानित करने की कोशिश, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। सीएम योगी का उदयनिधि स्टालिन को करारा जवाब, कहा आक्रांताओं की परंपरा में विश्वास रखने वाले कर रहे सनातन का अपमान। सनातन विवाद पर बोले सांसद संजय राउत, देश में कोई एंटी हिंदू नहीं। एमपी की राजनीति पर बोले स्वामी रामभद्राचार्य, कहा यहां बीजेपी कांग्रेस के बीच नहीं, सनातन धर्म और अधर्म की लड़ाई। स्वामी राम भद्राचार्य के बयान पर बोले कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, कहा कि लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की है, इससे कमलनाथ ही मुक्ति दिलवा पाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पुणे में आरएसएस की बड़ी बैठक, 16 सितंबर तक चलेगी संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक। भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत, एयरबेस ने भारत को सौंपा C-295 विमान। भारतीय वायुसेना को C-295 विमान मिलने पर बोले एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, कहा यह पूरे देश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर। स्कूल भर्ती केस में अभिषेक बैनर्जी से ईडी ने करीब 9 घंटे तक सवाल जवाब किए, टीएमसी सांसद ने कहा कि अपने आकाओं को खुश कर है अधिकारी। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ को किया गिरफ्तार, बालूघाट के ठेकों में करोड़ों की हेराफेरी और टैक्स चोरी का आरोप। राम जन्मभूमि पर खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, कई मूर्तियों और स्तंभ शामिल, चंपत राय ने शेयर की तस्वीर। यूपी के सोनभद्र में कुछ घंटों की बारिश से सड़कों पर आया पानी का सैलाब, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। वाराणसी में गंगा आरती देख मंत्रमुग्ध, G20 डेलीगेट्स क्रूज पर सवार होकर डेलीगेट्स से देखी घाटों की अद्भुत छटा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, दो पहिया वाहन वालों को हेलमेट पहनने की अपील की। उत्तराखंड के बागेश्वर में आग का तांडव, शख्सों की तीव्रता से घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। यूपी के रायबरेली में बारिश के दौरान गिरी बिजली, चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। यूपी के हापुड़ में एसपी ने लौटाए लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन्स, पुलिस ने 160 मोबाइल फोन्स किए वापस। राजस्थान के बनकूड़ा में छात्रा से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के बाइक में लगाई आग, इलाके में तनाव का माहौल। मध्य प्रदेश के रतलाम में नशा तस्करों पर एक्शन, पुलिस ने पिकअप से बरामद किए लाखों रुपए के ड्रग्स, चालक हुआ गिरफ्तार। बिहार में शराब तस्करों पर कार्रवाई, पुलिस ने दो महिला समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में महुआ बरामद। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महिला की हत्या का हुआ खुलासा, पुलिस ने वारदात में शामिल पति और उसकी प्रेमिका समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के गंगापुर में युवक की बदमाशों ने की हत्या, मृतक का साथी गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के सीकर में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, वारदात में शामिल महिला समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर में लूटपाट करने वाले गिरोह पर पुलिस का एक्शन, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लुटेरों पर कुल 8 मामले दर्ज। यूपी के जौनपुर में 17 साल की नाबालिग से युवक ने बनाए संबंध, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से पुलिस ने एमपी के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 2 किलो अफीम की जब्त। गाजियाबाद के मोतीनगर इलाके में लगी भयंकर आग, दमकल की टीम आग बुझाने में लगी रही। बेतिया के फाइनेंस बैंक में बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम, हथियार के दम पर की लूटपाट, लगभग 8 लाख रुपए लूटे। राजस्थान के चूरू में बदमाशों ने घर में डाला डाका, महिला के गले से चैन खींचकर हुए फरार। मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर, बुजुर्ग महिला के साथ ठगी हुई, बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और ठगी। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में युवक कर रहे स्टंट, नदी पर बने पुल से लगा रहे छलांग। बिहार के मशरक में एक ही कैंपस के 2 दुकानों में चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लीबिया में तूफान बाढ़ का जो कहर है उसमें 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 1,000 लोग अभी भी लापता हैं, सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। लीबिया में बाढ़ में बहे 3200 लोगों के शव बरामद, 1100 की अभी तक नहीं हो पाई पहचान। लीबिया की मदद के लिए आगे आया फ्रांस, आपदा राहत सामग्री के साथ 50 लोगों की एक बचाव टीम को भेज दिया है। लीबिया में बाढ़ से तबाही के बाद तुर्की में भी भेजी मदद, घायलों के इलाज के लिए पहुंचे डॉक्टर। ब्राजील में बरसात, बाढ़ से हाल बेहाल हो गया है ब्राजील, में ड्रोन तस्वीरों में चारों तरफ तबाही ही तबाही है। वियतनाम में 9 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हादसे में 56 लोगों की मौत, 37 घायल। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के ड्रोन के मार गिराया, वीडियो किया जारी, रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा यूक्रेन। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला, इज़मेल शहर के बंदरगाह की तबाह, यूक्रेनी सैनिकों ने किया दावा। चिली में स्वास्थ्य कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन, छटनी के खिलाफ खुला मोर्चा।